Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first chapter, that is A Tale of Two Births from the book A Pact with the Sun. So this is your supplementary book, बच्चों. ये आपकी supplementary book है और first book जो Honeysuckle है उसके हमने 4 chapters और 4 poems जो हैं complete कर लिए और grammar में हमने जो हैं आर्टिकल्स करे हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कर लिए. तो आज हम अपनी जो है सेकेंड बुक पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका पहला चैप्टर है बच्चों ए टेल ऑफ टू बर्थ्स. तो बच्चों कोई भी यहाँ पे जो भी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग जो है जो भी चैप्टर है ध्यान से पढ़े क्योंकि इसमें जो है एक मैसेज जो है कन्वे हो रहा है. तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू बर्थ्स और इसमें क्या स्टोरी है बच्चों कि एक मदर बर्ड है जो अपने दो बच्चों के साथ जो है एक पेड़ में जो है रहती थी. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है बच्चों कि दुर्भाग्यवश जो है एक दिन बहुत बड़ा जो है स्टॉर्म आता है और उनकी जो है मदर बर्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है और जो दो बच्चे हैं वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं. बट यहाँ पे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि किस तरह से अगर हमारी जो है कंपनी अगर हमारी अच्छी होती है. जैसे पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों, मदर क्या बोलती है, हमेशा आपको टोकती रहती है ना कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छी संगति होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि दो जो हैं अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो बच्चों क्या होता है, अच्छी बातें सीखते हैं. अगर बैड हैबिट सीख जाते हैं, अगर बुरे बच्चों के साथ, या बुरा कोई नहीं होता सिंस बर्थ बच्चों, कोई बुरा नहीं होता, बट जैसे जैसे हमारी कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी हैबिट्स जो है चेंज हो जाती है. तो सिंस बर्थ हमारे अंदर कोई बुरी आदतें नहीं होती, बट अगर हमारी कंपनी सही नहीं हो तो यहाँ पे इसी चैप्टर में यही बताया गया है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स कि किस तरह से वो अपनी मदर बर्ड के साथ रहते थे और अनफॉर्चुनेटली किस तरह से वो उनकी डेथ हो जाती है और दोनों को जो है एक रॉबर्स के यहाँ जो है उनकी कंपनी मिलती है और एक वो सेंट की मिलती है और किस तरह से दोनों का जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, अपोजिट होता है. तो इसी को हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे और बच्चों जो भी यहाँ पे मैसेज है उसको आप लोग भी फॉलो करें. तो दिस स्टोरी स्पीक्स एंड डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स. तो यहाँ पे पहले ही आपको बताया गया है कि ये स्टोरी क्या बताती है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी कि आपकी कंपनी कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं या आपके जो है किनके बीच में आप रहते हैं, क्योंकि आपके हैबिट से, आपके बिहेवियर से, आपके बोलने से जो है वो पता चलता है. हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, उसकी जैसी भी कंपनी होती है उसका इम्पैक्ट किस में पता चलता है, उसके बिहेवियर में पता चलता है. अब आपकी क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे होंगे, सबका नेचर अलग अलग होगा, तो अगर हमारी जो है कंपनी अच्छी होगी तो आपके बिहेवियर में वो चीजें दिखती है एंड बिल्ड अ करेक्टर. और उसी पे डिपेंड करता है आपका करेक्टर कि आपका बिहेवियर कैसा है. अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग आपको लाइक करेंगे. कई बार ये होता है ना बच्चों कि आपकी क्लास में कई लोग जो है झूठ बोल के अपना काम निकालते हैं तो आप उस समय अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट बाद में रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है. तो आप लोग जो है अच्छी कंपनी रखें या अगर कोई बैड बिहेव करता है तो उसको भी समझाएं कि किस तरह से आपको जो है फ्यूचर में ये चीजें जो है आपको किस तरह से हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर जो है बिहेवियर जो है सबसे ज्यादा. तो कंपनी जो है कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर, क्लियर. तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ मदर बर्ड. एक मदर बर्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसके कितने बच्चे हैं, टू यंग वंस, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक मदर बर्ड है. लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, और वो कहाँ रहती है बच्चों, एक फॉरेस्ट में रहती है. कौन रहता है बच्चों, ए मदर बर्ड और उसकी एंड हर टू यंग वंस, दो बच्चे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. अब स्टॉर्म क्या होता है बच्चों, जब तूफान आता है तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है पेड़ जो है कई बारी क्या होते हैं अपरूट हो जाते हैं, जड़ से भी निकल जाते हैं और टहनियां टूट जाती हैं. तो सिमिलरली एक बारी क्या हुआ, द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आया और उसमें द मदर वॉज डाइड एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड. अब जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए. क्योंकि मम्मी क्या करती है, मदर क्या करती है, आप लोगों को इकट्ठा रखती है या क्या, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से वो सेपरेट हुए थे, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दोनों बच्चे क्या हुए थे, सेपरेट हो गए थे और उनकी मदर शी वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग वंस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच फाउंड अ डिफरेंट होप.
अब दोनों को क्या हुआ बच्चों, दोनों बच्चे कैसे सेपरेट हो गए, एक को अलग घर मिल गया और दूसरे को दूसरा घर मिल गया। अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द करेक्टर या बिहेवियर ऑफ दैट टू यंग वंस, कि दोनों के जो करेक्टर्स हैं कैसे थे, बिहेवियर कैसा था उनका, क्या अच्छे लोगों की उनको कंपनी मिली या बुरे लोगों की कंपनी मिली है, ये वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स ही दिए हैं साइड में, आप इनको भी देखते रहे। तो रॉबर्ट्स जो अभी यहाँ पे वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न, तो रॉबर्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्सन हु कमिट्स रॉबरी और थीफ और बर्गलर, जो लूटपाट करते हैं लुटेरे उनको बोलते हैं रॉबर्ट्स। फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, हैप्पीली बाय गुड लक, ब्लू डाउन मीन्स टू मेक फॉल, हंट मीन्स टू चेस एंड ट्राई टू कैच एंड किल टू परस्यू, क्लियर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो कल से बच्चों आप सब बुक लाएंगे, सप्लीमेंट्री बुक लाएंगे और रीडिंग भी हम यहाँ पे करेंगे और पैक विद द सन सप्लीमेंट्री बुक। उसका फर्स्ट चैप्टर है देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक समय की बात है कौन रहता था, एक बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, छोटे छोटे से बच्चे थे। आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बर्ड चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ बर्ड एंड हर टू यंग वंस, न्यूली बॉर्न बेबीज इन अ, और कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आगे हम जो है एमसीक्यू भी करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्लियर। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल, अब उनका नेस्ट कहाँ था, नेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, घोंसला। तो नेस्ट कहाँ था बर्ड्स का, दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री, अब बहुत एक शेडी मीन्स घना सा एक पेड़ था और उसके ऊपर क्या था उनका नेस्ट था, घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, अब आपने देखा होगा चिड़िया को क्या करती है, दाना लाती है, किस तरह से फीड कराती है अपने बच्चों को। तो यहाँ पे भी वो जो बर्ड थी, मदर बर्ड थी, वो क्या करती थी, अपने बच्चों का टुक केयर में देखभाल करती थी, डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी, क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर कि अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक मदर बर्ड की बात कर रहे हैं एंड हर टू न्यूली बॉर्न बेबीज, क्लियर। और कहाँ रहते थे, दे लिव्ड इन अ टॉल शेडी ट्री, कैसा पेड़ था बच्चों, जहां उसका नेस्ट था टॉल था, बड़ा था और शेडी था, घना था, क्लियर। और दिन रात वो क्या करती थी, उसकी देखभाल, जैसे आपकी मदर है, आप लोगों को खाना टाइम से देती है, आपको तैयार करती है, आपको बताती है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, सिमिलरली वो भी जो है वहां पे उनको किस तरह से फीड कराती है डे एंड नाइट। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, अब जो मुसीबत आती है तो कभी भी आ जाती है, तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा क्या आया, तूफान आया। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, जब बहुत स्टॉर्म आता है तो आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से थंडरिंग होती है, आवाजें आती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है और किस तरह से बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, क्लियर, एंड रेन, और उसके बाद क्या होता है बारिश होती है। तो सेम जो है एक दिन क्या हुआ कि वो बर्ड जो है अपने बच्चों के साथ पेड़ में बैठी थी और क्या हुआ, एक बिग स्टॉर्म आया और क्या होने लगा वहां पे, थंडरिंग लाइटनिंग और रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन, अब ब्लू डाउन का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ टू मेक फॉल, और क्या हुआ, और हैवी एंड विंड ब्लू डाउन, और जो है हवा चलने लगी, तेज तेज जो है हवा चलने, मेनी ट्रीज ब्लू डाउन, मेनी ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ जो है नीचे गिर गए, ब्लू डाउन में टू मेक फॉल, जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, जिनकी रूट्स जो हैं कमजोर होती हैं या अपरूट हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं पेड़, तो कब होता है, जब बहुत ज्यादा हवा तेज चलती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, बिग स्टॉर्म आया, थंडरिंग भी, लाइटिंग भी, रेन भी, एंड और विंड के थ्रू क्या हुआ, पेड़ गिरने लगे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, अब वो जो बड़ा सा पेड़ था, शेडी ट्री था, जिसमें उसका नेस्ट था, वो भी क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो यहाँ पे एक पेड़ दिखाया गया आपको, और जब हवा चलती है तो क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा किस तरह से पेड़ जो है कई बार उनकी टहनियां टूट जाती हैं, ब्रांचेस टूट जाते हैं या पेड़ जो है अपरूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ दिखाया गया है, यहीं पे उसका क्या है, नेस्ट है, किसका, चिड़िया का नेस्ट है, क्लियर।
ऑल्सो केम डाउन। और जब सारे पेड़ गिर रहे थे बच्चों स्टॉर्म में, तो क्या हुआ, ये वाला पेड़ भी जो है नीचे गिर गया, फॉल डाउन। और क्या हुआ, अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड्स। और जब पेड़ नीचे गिरा तो एक जो है क्या हुई, हैवी ब्रांच, एक टहनी जो है, मजबूत सी टहनी जो है, किससे टकराई, नेस्ट से, घोंसले से, और उनकी जो मदर थी, बच्चों की मदर थी न्यूली बॉर्न बेबी से, वो मर गई। मदर बर्ड क्या हुआ बच्चों, किल्ड इन द स्टॉर्म। कैसे मरी, क्योंकि हिट हुई, एक हैवी ब्रांच से हिट हुई एंड द नेस्ट, और नेस्ट में जो है उसने हिट करा एंड द बर्ड किल्ड। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली मींस क्या होता है बच्चों, लकीली मदर की डेथ हो गई, बट लकीली क्या हुआ, बच्चे बच गए। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब हवा तेज चल रही थी, और बच्चे कैसे होते हैं बच्चों, छोटे छोटे से बेबी थे, न्यूली बॉर्न बच्चे थे, और जब हवा तेज चली तो दोनों को हवा जो है कहां ले गई बच्चों, अपोजिट ले गई टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जहां फॉरेस्ट था उसके अपोजिट जो है दूसरी साइड में दोनों बच्चों को उड़ा के ले गए। हवा तेज चली, मदर की डेथ हो गई, एक ब्रांच ने उसको हिट करा और उनकी डेथ हो गई मदर बर्ड की। दोनों बच्चे कहां चले गए, विंड उनको कहां ले गई, दूसरी साइड, अपोजिट साइड या अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। अब जब हवा चलती है बच्चों क्या होता है, जहां पे उनका जो है स्पीड कम होती है तो जो भी चीज वो लेके जा रही है तो वहीं पे ड्रॉप कर देती है। तो सिमिलरली क्या हुआ बच्चों कि वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक बच्चा जो था, जो न्यूली बॉर्न बेबी था, वो कहां पे गया, एक केव में। केव किसको बोलते हैं बच्चों, गुफा में, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और जहां पे कौन रहते थे बच्चों, लुटेरे रहते थे, रॉबर्स रहते थे। तो रॉबर्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ, पर्सन हु कमिट्स रॉबरी अ थीफ और बगल, क्लियर। तो एक बच्चा कहाँ गिरा बच्चों, अभी आप ध्यान से देखें क्योंकि यहीं पे आपके क्लियर होगी कि कैसी कंपनी होनी चाहिए और कैसा उसका बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, वन ऑफ देम केम डाउन अ नियर केव। तो एक बच्चा कहाँ गिरा, केव पे गिरा, जहाँ पे कौन रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स, बहुत सारे लुटेरे रहते थे, क्लियर, रॉबर्स लिव्ड। द अदर लैंडेड, अब दूसरा देखो कहाँ पे ड्रॉप हुआ, कहाँ पे गिरा, लैंडेड आउटसाइड ऋषि आश्रम। एक गया कहाँ पे बच्चों, रॉबर्स की केव में, और दूसरा कहाँ गया, सेंट के आश्रम में गया, ऋषि के आश्रम में, अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दोनों एक जगह गए जहाँ पे स्पीड कम थी विंड की, वहां पे एक जो है गिर गया, और वो कहाँ पे गिरा, जहाँ पे केव थी और रॉबर्स लिव्ड थे। जो दूसरा था वो कहाँ पे लैंडेड हुआ, लैंडेड इन द लैंडेड आउटसाइड और ऋषि आश्रम के बाहर गिरा, जो कि थोड़ी दूरी पे थे। अब दोनों की कंपनी देखेंगे बच्चों कि एक कहाँ पे गया, रॉबर्ट्स केव में, लुटेरों की कंपनी में, और दूसरा गया ऋषि की कंपनी में गया है। और दोनों क्या थे, ज्यादा दूर नहीं थे, थोड़ा सा डिस्टेंस था। डेज पास्ट, अब क्या हुआ बच्चों, कुछ दिन बीत गए, द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब क्या होता है, चिड़िया के बच्चे आपने देखे होंगे बहुत जल्दी जो है ग्रो करते हैं ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चों ने देखे होंगे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, कई बार आप लोग करते हैं ना कि छेड़ते हैं बच्चों को, या जो है दाना जब खिलाती है तब देखा होगा आपने। तो यहाँ पे जो है दोनों बच्चों की जो है मदर की डेथ हो गई, और किस तरह से हवा जो है उनको, एक को रॉबर्ट्स के केव में ले जाती है और दूसरे को ऋषि के आश्रम में। अब देखते हैं बच्चों उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो क्या बन गई, अब बड़ी चिड़िया बन गई, क्लियर। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब हंट क्या होता है बच्चों, शिकार के लिए। एक दिन राजा जो था किसके लिए आया, किंग ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का राजा किस लिए आया, शिकार के लिए उस फॉरेस्ट में आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। डियर किसको बोलते हैं बच्चों, हिरन को। अब दो डियर होते हैं बच्चों, एक होता है डी डबल ई आर डियर हिरन, और एक होता है डी ई ए आर, जैसे आप लेटर लिखते हो माई डियर फ्रेंड, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, डियर पर डियर, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस ये देखें आप, डियर डियर, तो ये डियर होता है हिरन, और दिस इज योर माई डियर फ्रेंड, क्लियर। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट। अब जो है राजा क्या कर रहा था, शिकार के लिए निकला था,
और एक हिरन के पीछे जो है रोड, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों रोड, तो पीछे पीछे वो उसके गए। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। अब डीप इनटू द फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों, जब कोई शिकार करने निकलते हैं तो राजा उसके पीछे पीछे कहां चला गया, फॉरेस्ट के अंदर चला गया, डीप इनटू द फॉरेस्ट, फॉलोड बाय द किंग। अब वो जो हिरन था दौड़ता दौड़ता कहां चला गया, डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बीच में चला गया, और उसको फॉलो कौन कर रहा था बच्चों, राजा, किंग, बाय द किंग। अब अपनी जान बचाने के लिए कहां गया बच्चों वो हिरन, डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में चला गया, और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा था उसको हंट करने, शिकार करने के लिए, राजा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। अब जल्दी से क्या होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों कहां जाएंगे, अगर फॉरेस्ट में जाएंगे हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाते हैं, वहां पे गुम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। सेम जो है राजा को जो है रास्ता नहीं मिल रहा था और ही वॉज लॉस्ट हिज वे, अब रास्ता भूल गया, एंड डिडंट नो, और राजा को ये नहीं पता, ही डिडंट नो वेयर ही वॉज, कि वो कहां पे था। ही रोड ऑन ए ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब रोड का अभी आपको बताया कि राइट रोड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब राजा जो है रोड करता हुआ घुड़सवारी जो है राइड कर रहा था, जिसमें दौड़ता दौड़ता कहां चला गया, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट में कौन रहता था बच्चों, किसी को पता है फॉरेस्ट के दूसरी साइड में कौन रहता था, दो छोटे बच्चे रहते थे, चिड़िया के बच्चे, क्योंकि मदर जो है किल हो गई थी, मर गई थी, शी वॉज किल्ड इन द स्टॉर्म। बट दोनों बच्चे जो हैं, एक कहां पे था, रॉबर्ट्स के केव में, और एक कहां था, ऋषि के आश्रम में था। अब राजा जो थे, जब ही डिडंट नो वेयर ही वॉज, तो वो चलता जो है कहां पहुंच गया, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब चलता रहा राइट करता रहा, और कहां पहुंचा, दूसरी साइड फॉरेस्ट के दूसरी साइड। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब क्या है बच्चों, जंगल में जा रहा था, शिकार करने जा रहा था, तो ही वॉज एग्जॉस्ट, पूरा जो है थक गया था, ही वॉज टायर्ड। By now he got off his horse. अब वो अपने घोड़े से जो है उतर गया, कौन, राजा, and sat down under a tree that stood near a cave. और वो जो है कहां बैठ गया, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां पे क्या था, केव था, रॉबर्ट्स का केव था, गुफा थी जहां पे, कौन बैठा बच्चों, sat down, कौन बैठा वहां पे, राजा बैठा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, ही वॉज एग्जॉस्टेड, थक गया था, तो दैट इज वाई ही सैट डाउन अंडर द ट्री नियर द केव, गुफा के पास जो पेड़ था उसके नीचे वो आराम करने बैठ गया। सडनली मीन्स अचानक, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अब अचानक उसने एक आवाज सुनी, हियर हर्ड सेकेंड फॉर्म, अ वॉइस क्राई शाउट, जोर से चिल्ला रहा था एक कोई, क्विक हरे अप, कि जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री। अब क्योंकि वो कहां पे था बच्चों, केव में था, और केव में कौन रहता था, रॉबर्स लिव्ड देयर, लुटेरे रहते थे वहां पे, लूटते थे, तो उसने जो है जो भाषा वो बोलते थे वही उसने बोला, क्विक हरे अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई जो है पेड़ के नीचे बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। अब उसने क्या बोला, वो जो चिड़िया का बच्चा था जो रॉबर्ट्स के केव में था, उस पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ था, तो उसने जल्दी से बोला, जैसे ही राजा को देखा पेड़ के नीचे, ही सैट डाउन अंडर द ट्री, ही शाउटेड, क्या बोला, क्विक हरी अप, समवन जो है कोई जो है बैठा कहा है, सेट अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। अब क्योंकि वो लुटेरे के पास था बच्चों, देखो कंपनी का क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम देख रहे हैं कि उसने वही भाषा बोली, उसने कहा जल्दी करो कि जल्दी से आओ बाहर, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से इसके जितने ज्वेल्स हैं ये सारे छीन लो, और क्या करो उसका घोड़ा भी, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, उसने कहा जल्दी करो अदरवाइज क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, तो आप जो है ना तो उसको उसकी ज्वेल्स ले पाएंगे ना उसका हॉर्स ले पाएंगे, आप जल्दी करो, क्विक हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। अब जो राजा था ही वॉज अमेज, उसको जो है आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, कि कौन बोल रहा है कि जल्दी करो और यहाँ से जो है जल्दी आओ, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स अदरवाइज ही विल स्लिप अवे। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग।
अब राजा ने जैसे ही ये आवाज सुनी, as he heard the voice, कि इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, तो जैसे ही उसने देखा, किसने, राजा की बात कर रहे हैं, he looked up and he saw, राजा ने क्या देखा, एक बहुत बड़ी जो है ब्राउन कलर की बर्ड कहाँ बैठी है, उसी पेड़ के ऊपर बैठी है जिसके नीचे कौन बैठा हुआ है, राजा। क्लियर? बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस। अब धीरे धीरे जो है कौन कौन सी आवाजें आ रही थी, धीरे धीरे जो है उन्होंने सुना, ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। और केव से भी धीरे धीरे जो है कुछ आवाजें आ रही थी। कौन रहता था बच्चों केव में? रॉबर्स रहते थे, लुटेरे रहते थे। अब जैसे वो बातें करते थे तो अब कंपनी क्या है, वो उनके बीच में रह रहा था, वो जो बर्ड था, तो वैसे ही जो है उसका बिहेवियर हो गया था, वही वो लर्न कर रहा था। और राजा ने सुना कि ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, कहां से आ रही थी, कमिंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब उसने जैसे ही सुना कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि भाई कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, तो उसने फटाफट जो है ऊपर देखा कि एक बड़ी सी ब्राउन जो है चिड़िया ऊपर बैठी है और उसे थोड़ी थोड़ी जो है आवाजें विस्परिंग की, या थोड़ी सी जो है फेंट वॉइसेस, फेंट मीन्स जो धीरे धीरे आती है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे आवाज आती है, कमिंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली, अब राजा जो है जल्दी से वहां से उठा, गेट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो जल्दी से वहां से भाग गया। कौन? राजा की बात कर रहे हैं। और किसने उसको जो है वार्न करा था, क्योंकि वो किसको बता रहे थे, रॉबर्स को बता रहे थे कि जल्दी से आओ, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स। और जैसे राजा ने देखा कि एक ब्राउन चिड़िया जो है केव के बाहर जो है पेड़ पे बैठी है, तो राजा ने क्या करा, जल्दी से जितनी जल्दी हो सका रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एक जो है चिड़िया रहती थी, मदर बर्ड विद हर टू न्यूली बॉर्न न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक दिन स्टॉर्म आया, एक बिग स्टॉर्म हिट द ट्री, पेड़ को गिराया और एक जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांच ने क्या करा, उसको हिट करा और शी वॉज किल्ड। मदर बर्ड जो है मर गई थी, बट फॉर्चुनेटली जो दो बच्चे थे, हवा जो है उनको अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट लेके गई और एक को जो है रॉबर्स के केव में। सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, तो आपसे ही पूछना है, एक बच्चा कहाँ पे गया, किसकी कंपनी में गया बच्चों, रॉबर्ट्स की। दूसरा बच्चा किसकी कंपनी में गया, ऋषि की, क्योंकि वो ऋषि के आश्रम के पास वाले पेड़ में रहता था। और दूसरा जो है चिड़िया का बच्चा जो था, बेबी था, वो कहाँ रहता था, रॉबर्ट्स की जहाँ केव थी उसमें रहता था। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है, लेट्स सी। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। अब जल्दी से वो कहां पहुंच गया, दूसरे वाले जो है जहां पे दूसरा जो चिड़िया का बच्चा था वहां पे जो है, सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक आश्रम। अब वो जो है थोड़ा सा बाहर गया जहां थोड़ा सा फॉरेस्ट नहीं था, आश्रम था, एक ऐसा लग रहा था उसको, विच लुक लाइक एन आश्रम, इट वॉज ऋषिज आश्रम। अब दूसरा जब वहां से वो भाग के कहां गए, ऋषि के आश्रम के पास। क्लियर? इट वॉज ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स, टाइड मीन्स बांधना। अब राजा ने क्या कहा करा, अपने घोड़े को जो है वही पेड़ एक था आश्रम के पास, उसमें उन्होंने उसको टाइट कर दिया एंड सेट डाउन इन द शेड। अब वो पेड़ की छांव में बैठ गया क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, टायर्ड हो गया था, दैट इज व्हाई ही सैट डाउन अंडर द ट्री। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अब बच्चों कंपनी का देखो कितना फर्क पड़ता है, उसने क्या बोला था, रॉबर्ट्स के यहाँ जो पल रहा था बच्चा, उसने क्या बोला था, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, हरी अप, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। क्लियर? और राजा वहां से भाग गया था क्योंकि उसने सुन ली थी उनकी आवाजें। अब दो सेकेंड टाइम देखते हैं कौन सी जेंटल आवाज थी, क्या उसने बोला, लेट्स सी। वेलकम टू द आश्रम। देखो संगत का कितना असर पड़ता है बच्चों, कंपनी का कितना असर पड़ता है, क्योंकि वो ऋषि के आश्रम में रहता था तो ऋषि जैसे वेलकम करते थे, स्वागत करते थे सबका, सेम जो है उसने भी लर्न करा। तो दोनों बच्चे क्या थे, सेम फैमिली के थे, बट दोनों की कंपनी अलग अलग थी। तो एक की कंपनी किसकी थी, रॉबर्ट्स की, तो वही भाषा जो है लैंग्वेज वो बोल रहा था। सेकेंड जो था
क्या बोला उसने जेंटल आवाज में, वेलकम टू द आश्रम सर, कि आपका स्वागत है आश्रम में। और पहले वाले ने क्या बोला था बच्चों, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, क्लियर। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। अब उसने क्या बोला, जैसे ऋषि लोग बोलते हैं ना, अब तोते को देखा होगा आपने, तोता जैसे बोलते हो वैसे ही सीखता है, क्लियर। तो उसने क्या बोला कि कम एंड टेक रेस्ट, कि आ जाओ और कहां पे रेस्ट करो, कि आश्रम में रेस्ट करो। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कि अंदर जाओ और वहां पे आराम करो। किसने बोला बच्चों, जो दूसरा बर्ड था। द ऋषि विल बी बैक सून, और क्या बोला उसने कि ऋषि जो है जल्दी ही वापस आएंगे, आप जो है अंदर जाके रेस्ट कर सकते हो। वेलकम टू द आश्रम, देयर आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। अब जैसे आश्रम में बोलते थे ऋषि लोग, वैसे उस बर्ड ने क्या बोला बच्चों, कि अंदर जो है आप जाके गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, और वहां पे एक पॉट है और पॉट में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, कोल्ड वाटर इन द पॉट। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब पहले वाले ने तो क्या करा था, उसको डरा दिया था, नहीं भाई रॉबर्स को जो है बोल रहा था जोर जोर से कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, और राजा जो है वहां से अपने आप को बचा के जो है दूसरी साइड में चले गए थे। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि यहाँ पे जो है आप कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप अंदर जाएं और आराम करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब दोनों बच्चे जो हैं एक ही फैमिली के थे, तो दोनों एक से थे, तो राजा ने जैसे ही पेड़ में देखा तो क्या देखा बच्चों, वहां पे उन्होंने एक जो है बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी भूरे रंग की चिड़िया बैठी थी। जैसे कहां बैठी हुई थी बच्चों, रॉबर्स के केव के बाहर पेड़ में, क्लियर। इन द ट्री ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, सरप्राइज्ड। कौन वाज सरप्राइज्ड, राजा। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव। अब उसने देखा, क्योंकि दोनों चिड़िया देखी थी उसने, एक कहां देखी थी आउटसाइड द केव, और दूसरी कहां देखी उन्होंने, आउटसाइड द केव। और दोनों के बिहेवियर में कितना चेंज था। एक बच्चा कहाँ पला था, ग्रो अप हुआ था बच्चों, रॉबर्ट्स के साथ। दूसरा बच्चा कहाँ ग्रोन हुआ, ऋषि के आश्रम के बाहर। दोनों के नेचर में देखो कितना है। पहले वाले ने कहा कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, इसको लूट लो जल्दी से आओ, नहीं तो ये ही विल कि ये यहाँ से चला जाएगा, ही विल स्लिप अवे। दूसरे ने क्या कहा, वेलकम टू द आश्रम, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, और वहां पे एक पॉट में पानी रखा है और आप जो है उसको रेस्ट कर सकते हैं, वहां पे कंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे राजा ने देखा, राजा ने दिखा रही ये तो दोनों बर्ड सेम है, जो रॉबर्स के केव के बाहर थी या जो ऋषि आश्रम के बाहर है, दोनों क्या है, सेम है। तो ही वॉज अमेज, तो ही किसके लिए बोला बच्चों, किंग। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब राजा जो है ही वॉज सरप्राइज्ड, अपने आप से उसने बोला अरे ये तो दोनों सेम चिड़े हैं, बट उनके बिहेवियर में कितना चेंज है, दोनों एक फैमिली के हैं बट उनकी कंपनी जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उनके बिहेवियर में। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। अब आंसर ने, जब राजा ने अपने आप से बोला, लाउडली बोला, जोर से बोला, बट किससे बोला, अपने आप से बोला राजा ने, तो जो चिड़िया थी वो सुन रही थी, तो उसने कहा यू आर राइट सर, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। He is my brother. तो उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मेरा कौन है, भाई है। He is my brother. But he has made friends with robbers. परंतु फर्क क्या है, अब बच्चों ध्यान से देखें, फर्क क्या है कि उसने अपने दोस्त कौन से बनाए हैं, रॉबर्स। कौन से बनाए हैं, लुटेरे। रॉबर्स को बनाए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को। He now talks as they do. अब ऑब्वियस है उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको किसका साथ मिला, रॉबर्ट्स का साथ मिला। अब जैसे रॉबर्ट्स बात करते थे कि भाई जल्दी चलो इनको लूटते हैं और जितना इनका सामान है लूटते हैं, तो उसने भी वही जो है भाषा सीखी, क्योंकि कंपनी जैसी कंपनी होती है वैसे ही जो है बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट पड़ता। तो उसने कहा कि ही इज माय ब्रदर एंड ही हैज फ्रेंड्स विद रॉबर्स, ही नाउ टॉक्स एज दे डू, जैसा वो करते हैं वैसे ही उसने वहां पे सीखा है। He doesn't talk to me anymore. और वो जो है मुझसे बात भी नहीं करता है। किसके लिए बोला? अपने भाई के लिए बोला, जो रॉबर्स के साथ जिसकी कंपनी थी, जिसकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी, रॉबर्स के साथ थी। उसने कहा He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. और उसी समय क्या हुआ बच्चों?
कि ऋषि जो आश्रम में रहते थे वो वहां पे पहुंच गए। तो बच्चों ऋषि नहीं थे आश्रम में, बट उस बर्ड ने किस तरह से उनको वेलकम करा, क्योंकि उसने वही करा जो ऋषि लोग करते थे। क्लियर? वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब जब ऋषि आए तो उन्होंने क्या बोला? वेलकम सर, आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ। तो आप देख रहे होंगे कि जो लाइनें जो हैं, जो फ्रेजेस किसने बोले थे? बर्ड ने बोले थे, ऋषि आश्रम के जो है ट्री, जो आउटसाइड द ऋषि आश्रम जो पेड़ था उसमें जो बर्ड बैठी थी ब्राउन कलर की, जो फ्रेजेस अभी ऋषि बोल रहे हैं वही उसने रिपीट करे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? उन्होंने जैसा उन्हें सिखाया है, जैसा वो वर्क करते थे वैसे ही उन्होंने भी सीखा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कि आप जो हैं घर में आ सकते हैं और वहां पे रेस्ट कर सकते हैं। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड। अब ऋषि ने क्या बोला कि आप कैसे लग रहे हो? थके हुए लग रहे हो, अंदर जाके आप आराम कर सकते हो, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में जो है घूम रहे थे। ही डिडंट नो द वे, रास्ता भूल गए थे, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। तो वो उन्होंने कहा कि आप जो है थके हुए लग रहे हैं, यू कैन टेक रेस्ट इन द आश्रम। क्लियर? तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि एक मदर बर्ड के बारे में पढ़ा जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो बच्चों मदर के बिना, क्योंकि मदर क्या करती है? कमांड पूरा रहता है कि किस तरह से लुक आफ्टर करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। अगर मदर नहीं होती है तो अभी हमने यहाँ पे स्टोरी में पढ़ा है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, कि किस तरह से दोनों बच्चे जो है सेपरेट हो जाते हैं, हाउ दे वर सेपरेटेड एंड, और एक जो है किस तरह से रॉबर्ट्स की कंपनी में चला जाता है और दूसरा जो है ऋषि की कंपनी में चला जाता है, और उन दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिहेवियर में, वो आज हमने पढ़ा। तो बच्चों रीड द चैप्टर एट होम, और सारे बच्चे कल जो है बुक लाएंगे पैक्ट विद द सन, दिस इज योर सेकंड सप्लीमेंट्री बुक। और इससे पहले हमने हनीसकल के 4 चैप्टर्स 4 पोम करी थी, और ग्रामर में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स भी हमने कर लिए हैं। तो सारे बच्चे रिवाइज करते रहे घर में, कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।